नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफिक्स और टैबलेट के बारे में। बात करेंगे सेफिक्स और टैबलेट को किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके यूज़ हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों सेफिक्स और टैबलेट की बात करें तो सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है। बात करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट की। इंग्रेडिएंट की बात करें तो सेफेक्सिम 200 mg, और दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें तो ऑफ्लोक्सासिन IP जो कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 200 mg। इसमें ये दो तरह के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किस किस बीमारी में सेफिक्सो टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके इस्तेमाल की बात करें तो यदि आपके नाक कान गले में इन्फेक्शन है, सूजन है, या आपके कान में फुंसी है, या आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, या आपको कान का बजने की शिकायत है, बहरापन की शिकायत है, यदि आपको कान से बहरापन की शिकायत रहती है, या आपके कान में सूजन है, या आपके स्किन में इन्फेक्शन है, त्वचा इन्फेक्शन है, या आपके टिश्यू में इन्फेक्शन है, दोस्तों टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या आपकी आँखों में इन्फेक्शन है, या आपकी आँखें जो लाल हो जाती हैं उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके फेफड़ों के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजन को दूर करने के लिए आपके फेफड़ों में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। या आपके छाती में इन्फेक्शन है, या आपके छाती में सूजन है, या आपके गुर्दे में इन्फेक्शन है दोस्तों, किडनी में इन्फेक्शन है, या आपको टाइफाइड की शिकायत है दोस्तों, यदि आपको टाइफाइड का बुखार है उस कंडीशन में भी इस सेफिक्सो टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अनेक प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों टॉन्सिल की शिकायत में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके टॉन्सिल की शिकायत है उस कंडीशन में भी आप सेफिक्सो टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसकी डोज की बात करें, कितनी कितनी मात्रा में सेफिक्सो टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति की बात करें तो सुबह शाम एक एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको इसके इस्तेमाल करने से चक्कर आने की शिकायत हो सकती है, पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, बेचैनी की शिकायत हो सकती है। ये सारे सिम्टम आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, उसके बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।